अबे ए ड्रामा किंग, क्या हुआ? क्या हुआ? मैडम उस चूल्हे से निकल रहा है उदासी का धुआं और आप कह रहे हैं क्या हुआ? मम्मी जी, I am very satisfied. हैं? मतलब जी मैं बहुत दुखी हूँ. Sad बोल ले, sad. Sad. गिराओ ये लपाड़बंदी का शटर. मैडम यहाँ उबल गया है हमारे अरमानों का मटर और आप कह रही हैं गिराओ लपाड़पंती का शटर. मैडम गले के मफलर को कह दिया आपने गमछा और एक अच्छे सेवक को कह दिया आपने चमचा. भाई अगर तो यो एक कवि सम्मेलन है और तू कवि है तो मैं भी कविता हूँ. कैरी ऑन. कभी आपने गोली खाई है? कौन सी वाली, खट्टी वाली या मीठी वाली? लाल वाली या पीली वाली? ना खट्टी ना मीठी ना लाल ना पीली. लोहे की बनी गोलियां जो होती हैं गोल गोल, छाती में अगर लग जाए तो बना देवे बड़े बड़े होल, और जिसे खा के आदमी जाए दुनिया से डोल. बना ले उसे खाने का तू मन, क्योंकि उन्हीं गोलियों से लोड करी है मैंने अपनी गन, जो ईब चलेगी थारे पे दे दनादन दे दनादन सन सनासन घन घनागन. मुआफी मैडम, मुआफी मुआफी मुआफी. हाँ जी जी मम्मी जी. हाय. चलो छोटो जी माफ कर दो, बच्चा है जी, बच्चा है. कौन है बच्चा, किसका बच्चा है? हाँ जी सामने खड़ा. बेटा ऐसा है, ये बातों की जुगलबंदी जो है ना हमारे से करने से पहले दो बार सोचियो आगे से. धंधे पे लगाओ, बीवी कहाँ है? मेरी वाली तो मायके गई है जी, मेरी घर पर है. Who cares for your babies? वो कहाँ है डब्लू की बीवी, darling? नहीं, मत करे हमी, she is coming. Okay, bye. आइए, आइए. ट्रेन की टेंशन में. भाई ट्रेन की ज्यादा टेंशन ना ले, थारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बेहतरीन आइडिया हमने लगा लिया है. वो क्या आइडिया है? भाई आइडिया यो है कि थारा जो हस्बैंड है है? ना वो बोल ना रहा है लेकिन चुटकियों में तो बोल रहा है, मतलब काम तो चल रहा है उसका. कैसे चल रहा है? उसके दोस्त की वजह से जो है जरिया. अगर जरिया ही निकल जाए तो बेटा झक मार के वो क्या उसका बाप भी बोलेगा. बुलाओ जरा डब्लू के दोस्त ने. ओके आइए. मैडम आपने मुझे बुलाया, कौआ बोल गया. हाँ भैया, डब्लू के दोस्त बबलू. भाई मैं क्या कह रही हूँ, मैं यो कह रही हूँ कि तू जो है ना आज के बाद अपने दोस्त की जबान नहीं बनेगा तू. थारा दोस्त चुटकी बजा बजा के चाहे चुटक जाए लेकिन तू जो है उसका ट्रांसलेशन नहीं करेगा, तू कुछ ना बोलेगा उसके बिहाफ में. क्लियर? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं बोलूंगा मैडम, आखिर क्लास में उस दिन मैं ही तो था जो शोर मचा रहा था और जिसकी सजा मास्टर जी ने डब्लू को दे दी और बेचारा तब से कुछ नहीं बोला. देखो ऐसा है कि वो एक शादीशुदा आदमी है, उसकी बीवी परेशान हो रही और तू, मैं क्या कह रही हूँ कि सारी गलती तो इसमें थारी से है. देखो भाई तू जिम्मेवार है, अगर तू ना होता तो अभी तक बोल लिया होता वो, लेकिन तू जो है इतना तत्पर है उसकी चुटकियां ट्रांसलेट करने में कि वो ढीठ हो गया है ना. उसको लग रहा है कि भैया ये तो है ही, ये तो कर ही रहा है हमारी बातें, सबको बता ही रहा है, तो मैं ये तो चुटकियां ही बजाऊंगा. तू मत कर यार, रहने दे, तू निकल ले, अपना कर यार, थारे भी तो कई काम होंगे. देखो मैडम जो कह रही है ना बस वो तुम चुपचाप कर दो, क्योंकि क्या है कि हमारी मैडम के दिमाग के एक बार उबल गए अंडे तो तुम हो जाओगे ठंडे, क्योंकि हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म की जुम्मा चुम्मा. मेरा मतलब है अत्याचार की खेद गई अम्मा. मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? ओ बच्चे ना ना, मेरा बब्बर शेर ना, मेरे लाल ना ना, नो है ना ना. अबे चल मन जा यार. ना मैं ना मानूंगा, क्योंकि गलती मेरी थी, मैं ना मानूंगा. कौआ बोल गया. मनवाओ भाई. आओ. नहीं मैं ठीक हूँ. नहीं ठीक तो मैं भी हूँ, पर आओ. कहाँ कहाँ
जा चल। आइए आइए आइए। देखो यार अभी भी वक्त है, मान जाओ, वरना क्या है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी ना, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, और अगर मैंने दूसरी बार कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, और अगर मैंने तीसरी बार कमिटमेंट कर दी फिर कोई मेरी नहीं सुनता, इसलिए तुम मेरी सुनो और मान जाओ। अगर मैं ना मानू तो? ना मानू तो फिर बोले सो निहाल। एक मिनट, अगर मेरे चेहरे पे एक भी निशान पड़ गया तो मैं सीधा कमिश्नर साहब से बोल दूंगा, फिर देखना अपनी नौकरी। धमकी? तो ठीक है, अब तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां टूटेंगी भी और एक भी निशान नहीं पड़ेगा। मतलब कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी? नहीं, लाठी तो टूटेगी। चले तेरी तो। अबे ओ ओ हूँ दस की नाम है तेरा? घर कहाँ है तुम्हारा? अपने दोस्त की जुबान बनेगा अब? ये हुई ना बात। अबे 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 ओ अबे आजा, आजा, आजा। चल काम हो गया। ऐसा पेला इतना फ्री टाइम है कि जो है घंटियों से खेला जा रहा है। मैडम चेक कर रहा था, चल नहीं रही है मैडम। चल गई? अब नहीं नहीं मम्मी जी, ये इसके साथ खेल रहा था जी। हाय तू जाता ना, शिकायतें ना करा कर इसकी। गिनती के 4-5 दिन बाकी हैं जिंदगी के, राम का नाम लेके काट, ज्यादा जो है आप मंथरा मत बन। कैरी ऑन। आइए आइए। ओह आ गए हैं तीनों अतरंगे करेक्टर्स विद अतरंगे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स। यस सर, डॉक्टर तो हार गया, कुत्ते भी फेल हो गए उसके हैं, और साथ ही में क्या है मास्टर जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, उनसे भी कुछ ना हुआ, तो बेसिकली इस केस का कुछ ना हो सके। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए। क्या मेरी लाइफ चौराहे का वो खराब सिग्नल बन के रह जाएगी जिसकी सिर्फ एक लाइट जलती बूझती है? ट्रेन की टेंशन में। अरे हाँ, लेकिन यहाँ तो एक भी लाइट नहीं जल रही है, सिर्फ बुझी है। मम्मी जी क्यों ना हम इस डब्लू को उस मेंटल हॉस्पिटल में भेज दें जहाँ जाके अच्छों अच्छों की बोलती खुल जाती है। अरे हाँ गोपी, गुड आइडिया यार। अरे वो ही वाला मेंटल हॉस्पिटल ना जहाँ पर वो बड़े बड़े बिजली के झटके दिए जाते हैं और वो मोटे मोटे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वही ना? हाँ हाँ सेम। भेज दो इसको, उसमें जाएगा। हाँ भाई दोस्त, क्या कह रहा है ये बता, बोल क्यों ना रहा कुछ तू? अरे नहीं नहीं मैडम, अब बस बहुत हो गया, आखिर मेरी भी तो अपनी जिंदगी है, और फिर क्या मैं जिंदगी भर इसकी आवाज बन के रहूंगा? ओ भाई चुटकी, अब आगे से कुछ नहीं करूंगा मैं, जो कुछ करना खुद करना, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बजाते रहिए चुटकी। मैडम मैं चलता हूँ, समझ गया मैं, सब कुछ समझ गया यहाँ के। मैडम मुझसे मेरे पति की हालत देखी नहीं जाती, ट्रेन की टेंशन में। आप भी कुछ हल निकालिए प्लीज। देखो भाई रास्ता तो यो है कि तू बन जाना अपने पति की जवान,
देखो ऐसा है कि बचपन में स्कूल में ना एज अ पार्ट टाइम हॉबी क्लास मैंने जो है साइन लैंग्वेज सीखी हुई है। इनफैक्ट अब तो मैं एक्सपर्ट हो रही हूँ। तो एक काम करते हैं कि कल चौकी में यहाँ एक क्लास सी लगाते हैं साइन लैंग्वेज की, मैं टीचर और तुम सब स्टूडेंट। तो मैं जो सिखाऊंगी साइन लैंग्वेज तुम सीख लेना, सब स्टूडेंट बन जाएंगे यहाँ कल, है? मम्मी जी ये इशारों की भाषा तो मैं अच्छे से जानता हूँ जी, मैं चंगी तरह जानता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टूड। सी देखिए, अगर किसी लड़की को इशारे से बुलाना हो तो कैसे बुलाना चाहिए? ऐसे। अगर किसी लड़की को आई लव यू कहना हो तो कैसे? आ जा। और अगर रैप्टा खाना हो तो? कैरी ऑन। तो भाई ऐसा है कि कल आ जाना चौकी में, कल करेंगे एक साइन लैंग्वेज की क्लास, और तुम दोनों स्पेशली हैं, बाकी सब तो सीखेंगे ही, तुम स्पेशली जो है ध्यान से सीख लेना ताकि चुटकी उटकी एकदम निकल जाए और तुम दोनों इशारों में एक दूसरे की बात समझ पाओ, फिर एक दूजे के लिए हो जाओ। ओके क्लियर? यस। तो भाई कल होगी चौकी में साइन लैंग्वेज की क्लास। अरे ये क्या बना रहा है यार, ये कोई होता है यार, तू होता है पैर बना तेरा पैर बना यार क्या। अरे लेकिन आप तो लोग अपना काम कर रहे हो, मुझे शांति शांति शांति। क्लास है यो कि मच्छी मार्केट है? ओह ये और तू सबसे शरारती सबसे सबसे होशियार और सबसे जो है शांति से बैठा हुआ स्टूडेंट है यो। क्यूट लिटिल फेलो, इससे सीखो, तुम लोग सब लोग सीखो इससे कुछ, बेचारे डब्लू से। आए बड़े। हाँ भाई, तो ईब शुरू हो गए है यहाँ पर साइन लैंग्वेज की क्लास। एवरीबडी रेडी? गुड भाई। ऐसा शुरुआत में जो है मैं कुछ ऐसे सिग्नल साइंस करूंगी, हैं? तो तुम्हें बताना है भाप के कि मैं के कहना चाह रही हूँ। ओके, वेरी सिंपल, इजी वालों से स्टार्ट करूंगी पहले। ओके टीचर, ओके। हाँ हाँ ठीक है। तो भाई बताओ बालकों, यो मैं के कहना चाह रही हूँ। टीचर जी टीचर जी, मैं बताऊं? कैरी ऑन। आप कहना चाह रही हैं आपके हाथ में खुजली हो रही है। काले प्राचीन काल के आदमी खुजली का साइन दिखे यो। कोई और कोई और? टीचर मैं बताता हूँ। टीचर टीचर आप बोल रहे हैं कि ऐसे इशारा करके कि भाई टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है भाई, टाइम क्या हुआ है पूछ रही हैं आप। अक्कल नहीं है जरा भी दोनों में बिल्कुल ही। ये तो रियल में मार रही है यार। भैया अबे कैसे जो है एकदम ही अनएजुकेटेड स्टूडेंट भर रखे हैं इस क्लास में, किसी को ना पता इतनी आसान चीज का जवाब। डब्लू अरे नहीं यार, तू तो खाली चुटकी बजावे है, थारी चुटकी मारी समझ में ना आएगी। चलो भाई बाल को ऐसा है मैं एक और सबसे जो इजी वाला, जो बहुत ही जो है क्लास केजी के स्टूडेंट भी समझ जावे वैसा पूछ ले रही हूं। बताओ इसका मतलब क्या है? नहीं, खबरदार अगर किसी ने मुझे रोका, मैडम को आ रहा है नींद का झोंका। कान पकड़ अपने जल्दी दोनों हाथ से, नींद का झोंका है यो। टीचर जी मैं बताऊं, आप कहना चाह रही हैं आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप कहना चाह रही हैं आपके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, इब थारी पीठ में दर्द होगा। Yeah.
नालायक। अरे ये तो बहुत सच्ची मुच्ची मार रही है यार। हाँ यार नालायक एकदम बेकार बेवकूफ स्टूडेंट भर रखे हैं, किसी को ना पता इसका मतलब। अरे टीचर टीचर मुझे आता है ना टीचर, टीचर ये जो आप इशारा कर रही है ना टीचर, आप कह रही हैं कि अरे लिफ्ट चाहिए लिफ्ट चाहिए, गाड़ी रोको मुझे घर जाना है। अभी ज्यादा हो रहा है यार डूड। माफ करो बॉर्डम क्लास है, किसी को कुछ ना आता, मैं ना झेल सकती, क्लास डिसमिस। मैं बोलूंगा मुझे सारे इशारे पता है। इसका मतलब होता है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। इसका मतलब होता है मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। जामुन तोड़ दूंगा। एवरीबॉडी एवरीबॉडी भाई, ऐसा है घने गर्व के साथ जो है मैं अनाउंस करना चाहती हूं कि इस क्लास का सबसे बेहतरीन, सबसे शाइनिंग स्टार, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है तू डब्लू। और भाई डब्लू सिर्फ मैं ही ना, देख तैने शाबाशी देने के लिए आज यहाँ कौन आया है, आइए। नहीं 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 डब्लू तुम डरो मत बेटा, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूं कि मैं तुम जैसे होनहार और होशियार स्टूडेंट को पहचान नहीं पाया छड़ी मार। मैडम मुझे भी गर्व है कि आपकी वजह से मेरे पति बोलने लग गए। डब्लू तुम बोल सकते हो? ये तो कमाल हो गया मैडम, थैंक यू। अरे ये दोनों मियां बीवी खुशी खुशी घर जाओ, ढेर सारी बातें करो, ढेर सारा प्रेम करो, चलो नाइस मीटिंग बाय। डब्लू कौवा बोल गया और मुझे एहसास हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा दोस्त था, तेरा दोस्त हूं और हमेशा तेरा दोस्त रहूंगा। मैं तेरी फिर से आवाज बनूंगा डब्लू, तू चुटकी बजा। हाँ बबलू, हाँ ठीक है मैडम। बबलू बोल रहा है कि आ!